निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरेंगे वैद्य टेक बल्लभ। रुड़की विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे बीजेपी से बगावत कर मैदान में उतरे वैद्य टेक बल्लभ ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो लगातार क्षेत्र के लोगों से मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, जिस तरह से मैं बीजेपी से इस बार विधानसभा का टिकट मांग रहा था और अंतिम समय में मेरा टिकट काट दिया गया, इस बात से मैं बहुत आहत हूँ और इसी वजह से मैं निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गया हूँ। जिस तरह से मुझे सब समाज का समर्थन मिल रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि इस बार लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले काफी वर्षों से बीजेपी में रहकर निस्वार्थ भाव से बीजेपी की सेवा कर रहा था और मेयर चुनाव में भी मेरा टिकट काट कर किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। नवभारत समाचार रुड़की से विशाल यादव की रिपोर्ट। ये भी आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। पार्टी का प्रेशर है, जो अभी अपने संपर्क के लोग हैं वो हमसे फोन करके संपर्क करके कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आप संगठन के हित में बैठ जाएं, आप ना बने, ऐसा बहुत सारा संपर्क हो रहा है और उस पर अभी हमने कोई ध्यान नहीं दिया है। कभी हम यही कहें कि हमें अब जो है हम मैदान में उतर चुके हैं और हमें लड़ना है और ये विधानसभा हमारी जनता से अपील है कि हम आपकी सेवा के लिए मैदान में उतरे हैं। अब आपको सोचना है किस छवि का आपको व्यक्ति चाहिए। अगर आपको हमारी साफ नियत लगती है, हमारी छवि पर विश्वास होता है, तो आप हमें मौका दीजिए और आपका ही सपना साकार करने आ रहा है वैद्य टेक बल्लभ। आपने कहा साफ सुथरी छवि का व्यक्ति, तो क्या आपको लगता है जो मौजूदा विधायक है उनकी छवि ठीक नहीं है, क्या लगता है? देखिए, मैं किसी की छवि या किसी के नाम से उसका आकलन नहीं करना चाहता, लेकिन जनता में भी विरोध है, संगठन में भी विरोध है, विरोध बहुत ज्यादा है, विरोध बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना अतिशयोक्ति है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके, जैसे मैदान में उतर गए आप? हम उतरेंगे सबसे पहले जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं, जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जब सीट पर बैठाएंगे आप लोग, तो हम वो करेंगे जिससे आप सब पुराने जनप्रतिनिधियों को भुला सकें और हमारे कार्यकाल को याद करें कि यहाँ अब कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो नगर के लिए निष्काम भाव से सेवा करता है। भाजपा जैसे लंबा समय हो गया था आपको, तो आपको मनाने के लिए कोई भाजपा कार्यकर्ता आ रहा है? हाँ, अभी संपर्क हो रहा है, आ रहे हैं वो मनाने के लिए और उनका लगातार निवेदन आ रहा है उनसे, लेकिन अभी हमने उसको स्वीकार नहीं करा है। और ठीक है, हमने कहा भी जो हमको अपना राय देता है उसकी राय का स्वागत है, उस पर विचार तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक हमने जो एक की है कि भाजपा हाईकमान का निर्णय हमें स्वीकार नहीं है कि उन्होंने उनको प्रत्याशी चुना है, इसलिए हम मैदान में उतरे हैं और हमारा विरोध है और हम चुनाव लड़ेंगे।